लेकिन एक हम टीनेजर के एडिक्शन की बात करें तो नॉर्मल मतलब नॉर्मल लाइफ की भी अगर हम बात करें तो उसमें जैसे अल्कोहल, स्मोकिंग या अलग अलग स्टेट्स में ऐसे का है जहाँ पर ड्रग्स का भी काफी मतलब यूसेज हो रहा है मेजॉरिटी ऑफ द जगह पे नाउडेज, मेजॉरिटी ऑफ द सिटीज के अंदर तो और वो इतना इन्फ्लुएंस हो रहे हैं थ्रू मीडिया इन सब चीज़ों के रिलेटेड, पेरेंट्स को पता नहीं होता, तो उससे इन सब चीज़ों के लिए कैसे बच्चों मतलब इन बच्चों को अवेयर किया जाए? एज अ पेरेंट मैं कहना चाहूँगा कि एज अ पेरेंट हम यदि बच्चों के साथ इमोशनली कनेक्ट होंगे तो बच्चे के आसपास में ऐसा कोई भी व्यक्ति आता है जो कोई गलत काम कर रहा है, ज्यादातर बच्चों के ऊपर ऐसे बैड कंपनीज में से ऐसा कोई इन्फ्लुएंस आता है, राइट? घर या रिलेटिव से नहीं आएगा, वो ज्यादातर जो आएगा वो फ्रेंड्स में भी, स्कूल में भी, ट्यूशन कहीं से कहीं वो इन्फ्लुएंस आएगा। सो वेरी फर्स्ट थिंग, यदि हमने बच्चे जैसे टीन एज में पहुंचते हैं और हम बच्चों के साथ फ्रेंडली बिहेव करते हैं, काफी सारे पेरेंट्स हैं जो बच्चों के फ्रेंड होना चाहते हैं, हमें फ्रेंड नहीं होना है, फ्रेंडली होना है। एंड नाउडेज ये ट्रेंड चल रहा है कि हम बच्चों का फ्रेंड बने, हम बच्चों के फ्रेंड बने। नो, आपके शो के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि बच्चों के फ्रेंड्स तो हजार हो सकते हैं बट मम्मी पापा एक ही हो सकते हैं। फ्रेंड्स है जो उसको सही या गलत कोई भी राह पे लेके जा सकते हैं, बट एज अ मदर शायद हमारा काम वो हेलमेट जैसा है, एज अ फादर हमारा काम शायद वो सीट बेल्ट जैसा है, एज अ मदर फादर शायद हमारा काम वो मास्क जैसा है कि जो किसी को पसंद नहीं है। सो मम्मी एंड पापा की एडवाइस कोई भी बच्चे को पसंद नहीं है, सीट बेल्ट पहनना किसी को पसंद नहीं है। सो सेम में मम्मी एंड पापा वो प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, राइट? लाइक सीट बेल्ट, वो हेट भी करेंगे बच्चे बट फिर भी हमको वो हमारा काम करना ही करना है। सो वेरी फर्स्ट थिंग, हम फ्रेंड बनने की जगह हम फ्रेंडली बने कि बच्चा उसके ऐसे कोई भी बैड इन्फ्लुएंस की बात या कोई फ्रेंड्स की बात या मे बी ऐसी कोई भी गलत चीज बच्चा देखता है, फ्रेंड्स के पास से ही कहीं से वो सीखता है, तो वो चीज घर पे मे बी मम्मी मे बी पापा किसी के साथ वो ओपनली बात कर पाए, वैसा हम एनवायरमेंट क्रिएट करें, वेरी फर्स्ट थिंग। क्योंकि जब तक बच्चे का शेयरिंग नहीं होगा तब तक कंट्रोलिंग करने की तो बात ही नहीं आती। सो मोर देन कंट्रोलिंग, मोर देन एनीथिंग एल्स, मुझे लगता है कि हम बच्चों के साथ शेयरिंग वाला एनवायरमेंट क्रिएट करें। नंबर टू, ये शेयरिंग के अंदर हमने काफी सारी बार पाया है, हमारे काफी जो ऑनलाइन पेरेंटिंग के भी जो पार्टिसिपेंट्स है उनके साथ भी मैं जब बातचीत करता हूँ तो वो कहते हैं कि टीनेज के बच्चे शेयर नहीं करते, राइट? बट द क्वेश्चन इज क्या हम शेयरिंग का एनवायरमेंट क्रिएट करते हैं? एग्जाम्पल के तौर पर बेटी है और मे बी फ्रेंड सर्कल में किसी ने कुछ उसको गलत चीज दिखाई, मे बी पॉर्न से रिलेटेड कोई वीडियो या समथिंग कुछ, या बेटा है उसको फ्रेंड में किसी ने दिखाया, डू यू फील कि घर पे पापा बैठे है, भाई बैठा है और सबके सामने बेटी मम्मी के साथ ये टॉपिक के ऊपर बात कर पाएगी? नहीं, राइट? सेम थिंग कि बेटा है और मम्मी और बहन सब लोग बैठे हैं तो उनके सामने वो खुल के बात नहीं कर पाएगा। सो द बेस्ट थिंग इज विदाउट लाइक कंप्लेन हम क्या करें, बेटी है तो मम्मी उसके साथ डेट पे जाए, मम्मी उसके साथ वन ऑन वन टाइम स्पेंड करे कि जहां पर भाई पापा और कोई फैमिली मेंबर ना हो, मे बी अभी कहीं पे बाहर नहीं जा सकते तो रूम में बेटी के साथ अकेले वो नून टाइम में आधा घंटा एक घंटा डेढ़ घंटा वो बैठे, वो कैजुअल बातें करे। एंड दिस इज द एज कि जहां पर कोई लड़की है तो उसको लड़के को देख के अफेक्शन होना अट्रैक्शन होना इज नॉर्मल, लड़का है तो उसका लड़की को देख के अफेक्शन अट्रैक्शन होना इज नॉर्मल, राइट? सो पापा वो बेटे को बताए कि बेटा दिस इज द एज कि वहां पर ऐसा कुछ हो सकता है, इन माई एज मुझे भी किसी को लेकर अफेक्शन या अट्रैक्शन हुआ था, राइट? मे बी कोई भी हो सकता है उस समय पे, तो उसका कोई किस्सा बच्चे के साथ शेयर करें तो जब बेटा ऐसी कोई बात होगा तो पापा के साथ खुल के बोल पाएगा। सेम विद बेटी, बेटी और मम्मी एक दूसरे के साथ आधा घंटा एक घंटा यदि वन ऑन वन टाइम स्पेंड करते हैं तो मुझे लगता है कि बच्चे ऐसा नहीं कि खुल के बोलते नहीं, बिकॉज मेरा जब एंजॉय और एग्जाम्स का प्रोग्राम होता है स्पेसिफिकली फॉर टीन एज स्टूडेंट्स होता है वो, एंड वहां पर उनको पेरेंट्स के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए, स्टडी कैसे करना चाहिए, लाइफ में गोल कैसे रखने चाहिए वगैरह वगैरह सारी चीजें आती हैं। सो वहां पे बच्चे ओपनली सारी चीजें मेरे साथ शेयर करते हैं, उनको पता है कि सारी चीजें रिकॉर्ड हो रही है, राइट? जूम मीटिंग के ऊपर ही होता है सो उनको पता है कि बाकी के अराउंड 7 to 8 कंट्रीज से बच्चे होते हैं जो ये प्रोग्राम को अटेंड करते हैं, पेड प्रोग्राम को, एंड वो सारे बच्चे सुन रहे होते हैं बट वैसा कन्फेशन जो शायद उन्होंने मम्मी पापा को नहीं बताया वो पब्लिकली यहाँ पर करते हैं। द रीजन इज वॉट,
उनको पता है कि यहाँ पर हमारी बातों को सुना जाएगा। जी बिल्कुल। So, मुझे लगता है कि बेटी के लिए मम्मी यदि थोड़ी सी फ्रेंडली हो एंड यदि बेटी के साथ थोड़ा सा वन एंड वन टाइम स्पेंड करे तो बेटी डेफिनेटली शेयर करने के चांसेस है। सो वेरी फर्स्ट थिंग, हम शेयरिंग का एनवायरमेंट क्रिएट करें। नाउ नंबर टू थिंग, बच्चे को सही और गलत दोनों चीज दिखाना वो मम्मी पापा का फर्ज है। सो बेटा स्मोकिंग भी हो सकता है, ड्रिंकिंग या ड्रग्स, ऐसी सारी चीजें हो सकती है। बट बेटा आई वुड रिकमेंड कि यू प्रिपेयर अ प्रोजेक्ट कि बेनिफिट्स ऑफ स्मोकिंग और बेनिफिट्स ऑफ अल्कोहल और बेनिफिट्स ऑफ ड्रग्स, एंड दूसरा गूगल पे जाके सर्च करो साइड इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स, साइड इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग, साइड इफेक्ट्स ऑफ ड्रिंकिंग काइंड ऑफ अल्कोहल काइंड ऑफ। एंड मैं तो कहता हूं ऐसे प्रोजेक्ट्स हमें पर्टिकुलरली बच्चों को स्कूल की ओर से मिलने चाहिए कि जहां पर बच्चे गूगल पे जाके ये सारी चीजें सर्च करें, तो जब नॉलेज होगा कि इससे इतने इतने साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, तो बच्चा जब ऐसी कोई चीज आएगी तो इमीडिएटली वहां से वो अपने आप को हटा लेगा। नंबर टू, जब ऐसा कोई फ्रेंड या मे बी ऐसा कोई सप्लायर जब उसके सामने आए तो उसको सेफली किसका कॉन्टेक्ट करना चाहिए, वो भी मम्मी पापा को बच्चों को दिखाना और बच्चों के साथ शेयर करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल। So, मुझे लगता है ये चीजों से ऐसा नहीं है कि बच्चे गलत राह पे जाना चाहते हैं। कोई भी बच्चा या कोई भी व्यक्ति ऐसा है ही नहीं कि वो बस अपनी लाइफ को स्पॉइल करना चाहता है, उसके जीवन में कोई गोल नहीं है। हर एक व्यक्ति एज अ ह्यूमन बींग वी ऑल आर प्रोग्रेसिव, राइट। हम सभी लोग आगे बढ़ना चाहते हैं। सो पापा स्कूटर में थे तो बेटा मारुति लाना चाहता है, बेटा पापा मारुति में है तो बेटा होंडा सिटी लाना चाहता है, पापा होंडा सिटी में है तो बेटा मर्सिडीज लाना चाहता है। सो वी ऑल हैव एज अ ह्यूमन बीइंग, ऊपर वाले ने हमारा माइंड का जो प्रोग्रामिंग किया है दैट इज प्रोग्रेसिव माइंड। सो जब प्रोग्रेसिव माइंड को जब सुना नहीं जाता, उसकी बातों को ध्यान से सुना नहीं जाता, अटेंशन नहीं दिया जाता, तभी शायद वो गलत राह पे जाने के चांसेस है। सो एज अ मदर एज अ फादर हम बच्चों के साथ आधा पौना घंटा सुनने में बताएंगे तो मुझे लगता है काफी सारे सॉल्यूशंस मिलेंगे। नंबर टू, सुनते वक्त बच्चों को बोलने की आजादी होनी चाहिए, राइट। बच्चा वो कुछ ऐसी बातें बोलता है जो एज अ पेरेंट समहाउ मेरा बेटा या मेरी बेटी वो कुछ करे या वैसे लोगों के एसोसिएशन में आए मुझे जरा भी पसंद नहीं आएगा, बट मुझे थोड़ा सा काइंड ऑफ ओपन हार्ट रखते हुए उनकी बातों को सुनना होगा एंड मुझे फ्रेंडली गाइडेंस देना होगा, नॉट द एडवाइस। ज्यादातर पेरेंट्स एडवाइस देते हैं, इंस्टेड हमें बच्चों को गाइड करना है। True. बिल्कुल सही कहा। अगर वो जब एडवाइस देते हैं तो बच्चों को फिर वो लगता है कि नेक्स्ट टाइम इनके साथ शेयर नहीं करना चाहिए, नहीं करना, ये ओपन माइंडेड नहीं है, इसलिए वो फिर वो नेक्स्ट टाइम से बताना ही बंद कर देते हैं। एंड मे बी यही चीज को लेकर और ज्यादा लर्निंग करना चाहते हैं। सक्सेसफुल पेरेंटिंग मेरे जो टोटल 7 लॉज का जो सीक्रेट है वो यदि आप जानना चाहते हैं, आपके बच्चे को पावरफुल एंड जीनियस बनाना चाहते हैं, तो दोस्तों मैं आपको गुड न्यूज देना चाहता हूं कि मेरा जो ऑनलाइन पेरेंटिंग का वर्कशॉप है वो आपकी बहुत ही ज्यादा हेल्प कर सकता है। यस फ्रेंड्स, पूरे साल मेरे वो प्राइवेट वीडियोज एंड जो लर्निंग एंड जो फ्रेमवर्क है मेरा सक्सेसफुल पेरेंटिंग का, वो सारी की सारी चीजें आपको 60% डिस्काउंट के साथ अवेलेबल हो सकती है। सो इन केस यदि आप फ्री में पेरेंटिंग की सारी चीजें जानना चाहते हैं तो मेरे YouTube के ऊपर काफी सारे वीडियोस हैं, वो डेफिनेटली आप देख सकते हैं। इनके से ज्यादा लर्निंग करना चाहे तो मेरी पेरेंटिंग की बुक भी गुजराती हिंदी एंड इंग्लिश के अंदर अवेलेबल है। एंड दोस्तों सबसे अल्टीमेट माने आपके बच्चे के फ्यूचर के लिए यदि आप कुछ भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते, सारी साइंटिफिक वे में, साइकोलॉजिकल वे में एंड स्पिरिचुअल वे में अपने बच्चे को पावरफुल बनाना चाहते हैं, जीनियस बनाना चाहते हैं, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा मेरा ऑनलाइन पेरेंटिंग कोर्स। पूरे साल की एक्सेस के साथ का ये कोर्स आपको फिलहाल थोड़े समय के लिए 60% डिस्काउंट के साथ अवेलेबल है। सो दोस्तों मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि मेरे ऑनलाइन कोर्स के बारे में ज्यादा जानकारी जरूर से लें। एंड यदि आप उससे रिगार्डिंग मेरे काउंसलर के साथ आप बात करना चाहते हैं कि ये वर्कशॉप कैसा होगा, कैसे चलेगा, कितने समय तक की वैलिडिटी होगी, आपको एक्चुअली बेनिफिट होगा या नहीं, तो आई वुड स्ट्रॉन्गली रेकमेंड हमारी ये हेल्पलाइन नंबर के ऊपर कॉल करते हुए आप सारी जानकारी ले सकते हैं। एंड यस, पेरेंटिंग की और ज्यादा डिटेल यदि आप चाहते हैं तो मेरे काफी सारे और यूट्यूब के ऊपर वीडियोस है, उसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर रखी हुई है। एंड यस फ्रेंड्स, यदि ऐसे ही नए पेरेंटिंग के पावरफुल वीडियोस आप चाहते हैं हर वीक, तो आई वुड रेकमेंड कि आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल का बटन प्रेस करें
ताकि एवरी वीक ऐसे ही नए पावरफुल वीडियोस आपको रेगुलरली मिलते रहे. थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स.